अच्छा विनेश की तरफ आ जाएंगे. विनेश को मालूम है कि फिल्म इंडस्ट्री को करीब से भी देखा है उन्होंने, क्योंकि आपकी दोनों बहनों पर फिल्म बनी है. लेकिन हम जानना चाहते हैं ये विनेश के हरियाणा में भिवानी में जो हमने फिल्म में देखा है या रिपोर्ट्स में देखा है, वाकई में ऐसे होता था? आप लोग छोटे थे, रेसलिंग करते थे, तो लोग क्या कहते थे कि ये छोरियाँ क्यों रेसलिंग कर रही हैं? जब मैं तो काफ़ी छोटी थी, इस मतलब समझ में नहीं आता था कौन क्या बोल रहा है, तो गीता बबीता को बिल्कुल बोलते थे. लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मेरी मम्मी भी बोलती थी कि बेटा कि आज वो तेरी ताई जी ऐसे बोल रही थी कि तूने क्या पहना है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि कौन सी ताई जी थी, मेरे सामने लेके आओ. तो मम्मी की थोड़ा सा अगर आप बाहर जाओ तो मतलब किसी को बोलना मत कुछ भी, तो मुझे काफ़ी गुस्सा आता था. तो आपके बाल भी वैसे ही थे छोटे छोटे तब? काफ़ी छोटे थे, कटोरा कटिंग करवा देते थे हमारी. तो ताऊ जी का एक ही वो था कि अगर बाल बड़े हो गए तो फिर आप रेसलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप फैशन में घुस जाओगे और लोग आपको कैसे देखते हैं, लुक्स पे ध्यान देने लग जाओगे. तो उनका एक है कि रेसलिंग करे हो तब तक कोई फैशन और कोई मतलब किसी के बारे में कुछ भी नहीं, बस रेसलिंग करना है, ट्रेनिंग और खाना और सोना. तो जैसे हिटलर से भी बुरा हाल था हमारा, तिहाड़ जेल में भी नहीं होता होगा जैसा हमारा हाल था. लेकिन ना हम घर से भाग सकते, ना हम रो सकते, रोए तो पिटे, अगर नहीं रोए तो पिटे, घर से भागे तो पिटे, मतलब पिटाई तो पक्का था. तो काफ़ी मतलब जब मूवी में मैंने देखा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखा है मैंने ताऊ जी का, इतना सॉफ्ट रूप तो कुछ देखा ही नहीं मैंने तो कभी. तो मैं पूछ रही थी कि वो कब, मतलब ये साफ है कि बापू जो है वो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है. हाँ बहुत, क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा.